अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं स्कूसर डॉट कॉम का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं। इसमें जो जो कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे और इनकी प्राइस अपडेट देंगे आपको वीडियो में आगे चल के। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं जी आज की 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसकी स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे i7 4th generation का प्रोसेसर हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके साथ जो हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो हम H81 मदरबोर्ड यूज़ करेंगे। 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, 4 SATA टाइप लगने की ऑप्शन है और 8 GB तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड अब इस पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी रैम की। जो इस बिल्ड के साथ हम रैम यूज़ करेंगे वो हम 16 GB रैम यूज़ करेंगे। DDR3 में रैम हम इसके साथ यूज़ करेंगे और 8 GB की 2 स्टिक हम 1600 MHz वाली रैम इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी ड्राइव की। तो इसके साथ हम 128 GB SSD यूज़ करने जा रहे हैं और इसी तरह इसके साथ हम 500 GB की HDD इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी PSU की। जो इस बिल्ड के साथ हम PSU यूज़ करेंगे वो हम 500 W की PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और अब आते हैं जी इसके केस की तरफ। तो इस बिल्ड के साथ हम यूज़ करेंगे केस, गेमिंग केस हम यूज़ करने जा रहे हैं XTEC का F8 गेमिंग केस ब्लैक कलर में। फ्रंट और साइड इसका जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है। फ्रंट पे 3 RGB फैन और एक इसकी बैक साइड पे RGB फैन आपको मिलेगा। लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो हम सफायर नाइट्रो में ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे। RX 580 4 GB ग्राफिक कार्ड हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। 256 bit का ग्राफिक कार्ड हम इस बिल्ड के साथ जो वो 4 GB यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन और प्राइस अपडेट आपको देता हूँ अब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की प्राइस की। तो जो इस बिल्ड के साथ हम i7 4th generation प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो हम 13K में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके साथ जो हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे H80 1600 में। और इसी तरह इसके साथ हम जो रैम यूज़ करने जा रहे हैं 16 GB 8 GB की 2 स्टिक वो हम 6K में यानी कि 6000 रुपये में हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके साथ जो हम 128 GB SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे वो हम 3K में इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ करेंगे। 500 GB की जो HDD हम इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली वो हम यूज़ करेंगे इस बिल्ड के साथ जो है 2K में। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी PSU की। जो इस बिल्ड के साथ हम PSU यूज़ करने जा रहे हैं 500 W की वो हम 5000 में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसके साथ जो हम केस यूज़ करेंगे गेमिंग केस XTEC का F8 गेमिंग केस विद 4 RGB फैन। इस गेमिंग केस की जो मार्केट प्राइस है वो 15K तक चल रही है लेकिन हम 13K में इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ करेंगे। तो लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की प्राइस की। प्राइस इस ग्राफिक कार्ड की हम यूज़ करेंगे RX 580 8 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड की वो हम यूज़ करेंगे जस्ट जो है वो 23K। तो फ्रेंड्स ये थी 70K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन और प्राइस अपडेट। अगर आप ये बिल्ड या इसके अलावा कोई भी बिल्ड बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे जाके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो इनकी वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी इनकी जो है वो 7 डेज मिलेगी जिसमें डेड और बन के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की वारंटी होगी। और शिपिंग की बात करें तो शिपिंग इसकी ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने किसी भी जगह और किसी भी सिटी में आप जो है वो इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और मुझे तो इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।